हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स में बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं और हमें उनको ध्यान रखना होता है और उनकी जो ड्यू डेट होती है, लास्ट डेट होती है, उस पर भी नज़र बनाए रखने होती है, क्योंकि वो ड्यू डेट निकलने के बाद उस पर हमारे ऊपर जो है वो लेट फीस या पेनल्टी का प्रोविजन रखा जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमने 30 जून तक अपना ये काम नहीं कर लिया तो 1 जुलाई से हमें देनी होगी डबल लेट फीस। अब किस चीज पर है कि हमें अब डबल लेट फीस देनी पड़ेगी अगर हमने उसको 30 जून तक कंप्लीट नहीं किया। तो हम आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये जो एक आया था नोटिफिकेशन, उसको देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। दूसरा ये है लिंक आधार पैन। जैसा कि आपको मालूम है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन से आधार को लिंक नहीं किया है, उन लोगों के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय था और 31 मार्च 2022 के बाद 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक के लिए समय दिया गया था, लेकिन उस समय के अंतर्गत उन्हें ₹500 की लेट फीस अदा करनी थी। अब आइए देखते हैं इसमें कि इन्होंने और क्या क्या चीजें कही थी और अगर हमने लेट किया है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्या है, इज रिक्वायर्ड टू लिंक पैन विद आधार ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 के पहले। टैक्स पेयर हु फेल टू डू सो आर लाइबल टू पे अ फीस ₹500 टिल 30 जून 2022। अब अगर हमें उसको लिंक करना है तो उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है 30 जून 2022 को, लेकिन उसके साथ हमें लेट फीस जमा करनी है ₹500। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो ₹500 हमें कैसे जमा करने हैं और उसको फिर कैसे हमें लिंक करना है, ये देखते हैं। देखिए, इन्होंने बताया एंड देयर आफ्टर फी ₹1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन ऑफ पैन आधार लिंकेज रिक्वेस्ट। अब अगर हम 30 जून तक नहीं कर पाते हैं, 1 जुलाई को करते हैं, तो फिर यह 1 जुलाई के बाद तो हमें लेट फीस देनी होगी ₹1000। अब प्लीज पे द एप्लीकेबल फी ऑन, ये साइट दी हुई है जहां पर हम क्लिक करके जा सकते हैं और अपनी सबमिशन दे सकते हैं, आधार पैन लिंकेज रिक्वेस्ट। क्लिक ऑन प्रोसीड अंडर चालान नंबर ITNS 280 फॉर सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यानी पहले ITNS चालान नंबर 280 से हमको लेट फीस जो है वो जमा करनी है और जमा करने के बाद हमें लिंक पे जाना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इन केस पेमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन प्रोटेन NSDL पोर्टल, प्लीज ट्राई लिंकिंग After 4-5 working days from the date of payment, यानी जिस दिन आपने चालान जमा किया है उसके 4-5 दिनों के बाद आप आधार लिंक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तब तक वहां पर ये शो नहीं करेगा। यानी 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे तब वो चालान वहां शो करेगा, तभी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। प्लीज मेक श्योर फी पेमेंट इज डन अंडर माइनर हेड 500 फी एंड मेजर हेड 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज इन सिंगल चालान। तो आपको जब चालान जमा करना है तो माइनर हेड और मेजर हेड दोनों को ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रख करके जमा करना है, तभी आपका पैन आधार से लिंक हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि 30 जून के पहले पहले आप ये काम कर लें, क्योंकि आपने जैसा कि अभी देखा कि 4-5 दिन तो उसको वहां पर शो होने में लगेंगे, यानी चालान जमा करेंगे उसके 4-5 दिन के बाद ही आप पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। इसलिए समय न निकलने पाए, आप समय से चालान जमा करिए और अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए, अदरवाइज 1 जुलाई से आपको डबल फीस देनी होगी, यानी ₹500 के स्थान पर ₹1000। दूसरा देख लेते हैं पैन नंबर कहां पर डालना है। देखिए, ये लिखा हुआ पैन, यहां पर इंटर पैन करना है और नीचे ये आधार नंबर दिया है, यहां पर आपको आधार करना है। प्लीज इंश्योर यू लिंक योर करेक्ट आधार नंबर विद पैन, तो यहां पर आपको ये देना है।
यहाँ पर नोट भी दिया है, फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग, तो ऐसे ये लोग हैं जिनको पैन को आधार से लिंक नहीं करना है, जो कि एनआरआईज हैं, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, या एज 80 ईयर्स एज ऑन डेट, यानी जिनकी 80 साल उम्र हो गई है या उससे अधिक हो गई है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो लोग हैं इनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, इनको अपने पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जरूरत है वो अपना समय से कर लें, अदरवाइज 30 जून के बाद उन्हें लेट फीस डबल देनी पड़ेगी, यानी 500 की जगह पर 1,000 रुपए। दूसरी चीज जो अक्सर आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, वो है कि लिंक आधार स्टेटस हम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है लिंक आधार स्टेटस, यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहां पर एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स जो दिया हुआ है, यहां पर अपना पैन नंबर डालेंगे और पैन नंबर के बाद नीचे अपना आधार नंबर फिल करेंगे, और आधार नंबर जब आप फिल कर लेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो जब ये दोनों कॉलम आप फिल कर लेंगे उसके बाद यहां पर आकर के आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन और आधार का स्टेटस मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इससे ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो यहां पर भी दी गई है, आप यहां पर क्लिक हाइपर लिंक फॉर FAQs आप अपग्रेडेड लिंक आधार सर्विसेज, यहां पर क्लिक करके और डिटेल आप ले सकते हैं। तो ये देखिए जैसा कि यहाँ पर आ गया है 1 जून 2022 का, जो कि ये 7/2022 जो सर्कुलर नंबर था, यहाँ पर आप क्लिक करके इस पूरे सर्कुलर को देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये था आज का आपका ये टॉपिक जिस पर मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी चीजें बता सकें और आप समय से इसको कर सकें जिससे आपको डबल लेट फीस ना देनी पड़े। इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर और लोगों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। Thank you.